हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आईवी कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब आइकन के बारे में। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स में, एक्चुअली मोस्टली 100% वेबसाइट्स में क्या होता है, आइकन आपके वेबसाइट के टाइटल के पेज बगल में एक आइकन होता है जिसे हम बोलते हैं फेब आइकन। फेब आइकन बोलते हैं हम उसे। तो फेब आइकन को कैसे लगाया जाए अपने वेब पेज में, हम इस वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। तो फेब आइकन लगाने के लिए आपको क्या करना है, इधर आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे एक है fabicon.ico, राइट, जनरेटर। एक्चुअली जो फेब आइकन्स होते हैं उनके एक्सटेंशन होते हैं ICO। तो हमें यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे fabicon.io एक वेबसाइट है, हम इसका यूज करेंगे। क्लिक किया, वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं फेब आइकन जनरेट करने। तो अगर हम नीचे जाएंगे इधर, तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई इमेज है, मान लो आपके पास लोगो है, आप उसको भी ICO इमेज में चेंज कर सकते हो, यानी फेब आइकन इमेज में चेंज कर सकते हो। आपके पास अगर टेक्स्ट बेस कोई टेक्स्ट है, आप उसको भी ICO में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास इमोजी है तो इमोजी आइकन भी आप इधर लगा सकते हो फेब आइकन की जगह। तो मैं फिलहाल टेक्स्ट को कवर कर रहा हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं एफ आर, राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का जो टाइटल है वो माय वेबसाइट है, तो मैं आइकन जो रख रहा हूँ वो एम के नाम से रखना चाहता हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप यहाँ पे एफ की जगह पे क्या रख दीजिए, एम। फिर आप इधर क्या रखना चाहते हो, राउंडेड रखना चाहते हो या कौन सा, तो आप इधर से सेलेक्ट कर लीजिए सर्कल राउंडेड, ठीक है। तो राउंडेड ये बेटर लग रहा है, यहाँ पे आपको अच्छा दिख रहा है राउंडेड, तो हम राउंडेड को ही सेलेक्ट करते हैं। इधर से साइज भी चेंज कर सकते हो, इधर से आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये फॉन्ट है, और भी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, ठीक है। तो मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, मैं इधर से कोई दूसरा फॉन्ट लेता हूँ, ठीक है। सपोज लैटो ले लेता हूँ, लैटो इज लुकिंग गुड, तो मैं लैटो को सेलेक्ट कर लिया। इधर से आपको कलर जो अच्छा लगता है वो भी ले सकते हैं, मैंने ये रेड कलर ले लिया, ठीक है। तो आप इधर प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका फेब आइकन इस तरीके से दिखने का। व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हम डाउनलोड पे क्लिक कर, डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका इधर फेब आइकन जनरेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फेब आइकन जनरेट हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है, और जिस फोल्डर में आप चाहते हो कि उसे एक्सट्रैक्ट कर लें, आपको इतनी सारी फाइल्स मिलेंगी, आपको इतनी सारी फाइल्स की जरूरत नहीं है, बस एक फाइल की जरूरत है फिलहाल, उसका नाम है fabicon.ico, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने जिस फोल्डर में आप वेबसाइट रखना चाहते हो, वेब पेजेस बनाना चाहते हो, उस फोल्डर में इसको रख लो, ठीक है। तो मैं इधर क्या करना चाहता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ एक्सट्रैक्ट टू, और डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे इधर मैं इधर रख सकता हूँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास देखता हूँ, डेस्कटॉप पे मेरे पास फोल्डर नहीं है, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, मैंने बनाया माय वेबसाइट के नाम से, जिसमें अपनी वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें रखूँ, ठीक है। मैं इसमें पेजेस भी बनाऊँगा HTML के। मैं इधर से गया और मैंने इधर से डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ठीक है। डेस्कटॉप पे कौन सा है, माय वेबसाइट, इधर से एक बार कैंसिल करता हूँ, दोबारा करता हूँ एक्सट्रैक्ट टू, इधर डेस्कटॉप, माय वेबसाइट आ चुकी है, तो मैंने अभी अभी फोल्डर बनाया, ओके करिए। तो ये इमेज एक्सट्रैक्ट होके कहाँ पहुँच गई, इधर आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड आप सब लोग जानते हैं, उसमें इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इधर विजुअल स्टूडियो कोड टाइप किया, ठीक है। अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड वाला वीडियो नहीं देखा, कैसे इंस्टॉलेशन होती है, कैसे काम करती है, ठीक है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेंगे कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप कर, राइट। तो इधर क्या करना है, आपको फाइल में जाना है और ओपन फोल्डर कर लेना है। मैंने वो फोल्डर जो अभी भी बनाया है माय वेबसाइट नाम का, और उसके अंदर आइकन रख, उसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं इसी से काम करने वाला हूँ फिलहाल। उसके अंदर सिर्फ आइकन है, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, मतलब एक इमेज, एक वेब पेज बनाना है मुझे, वेब पेज का नाम रखा है index.html, एंटर प्रेस किया, ठीक है। इधर मैंने फाइल बनाई, उधर फोल्डर में फाइल बन चुकी होगी, देख सकते, ठीक है।
इधर बहुत इजी है, आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो, एंटर प्रेस करो, इधर देखो आप डॉक्यूमेंट जनरेट हो चुका। टाइटल मैंने लिखा अपने वेब पेज का, माय वेबसाइट, राइट। और फिर हमने क्या किया, मैंने इधर H1 में लिख दिया अलाइन सेंटर, और इधर कर दिया माय वेबसाइट, और इधर मैंने एक हॉरिजॉन्टल टूल लगाया, राइट। ये लगा चुका हूँ, इधर मैं राइट क्लिक करके रन कर लेता, ठीक है, रन नहीं हो रहा इधर से, क्या करूँगा, इधर देखो एक बटन है, क्लिक करूंगा रन एंड डिबग, ठीक है, ट्रस्ट फोल्डर एंड कंटिन्यू। किस में रन करना है, क्रोम में, देखो हमारा वेब पेज इधर रन हो, तो वेब पेज रन तो हो गया, यहाँ पे टाइटल भी आ गया, बट इधर फेव आइकन नहीं आया, फेव आइकन ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, इधर लिखना है कोड, क्या लिखना है, लिंक href इक्वल टू, हमारे पास जो फाइल है उसका नाम क्या है, webicon.ico, बस इसको सेव करना है, और लिंक टैग को बंद भी तो करना है, जस्ट क्लोज इट, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, सी There is an icon of M. यानी हमने सक्सेसफुली इस फैब आइकन को लगा लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।